मुरादाबाद में जिला कृषि औद्योगिक एवं विकास सांस्कृतिक प्रदर्शनी के अंतर्गत 4 वर्षों के बाद खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा रही हैं। खेलकूद प्रतियोगिता मुरादाबाद के सोनकपुर स्टेडियम में 5 जून से आयोजित होंगी। खेलकूद प्रतियोगिता के लिए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा नगर मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह को संयोजक बनाया गया है, साथ ही सह संयोजक नावेद सिद्दीकी को जिम्मेदारी दी गई है। सिटी चैनल को जानकारी देते हुए नगर मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह ने बताया कि मुरादाबाद में कई वर्षों के बाद जिला प्रदर्शनी के द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता सोनकपुर स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। ये प्रतियोगिता 5 जून से 24 जून के बीच में सम्पन्न कराई जाएंगी और अनेक खेलकूद प्रतियोगिता में सभी युवा खिलाड़ियों को प्रतिभाग कराने के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि कई वर्षों के बाद ये खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। यदि कोई भी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहता है तो वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में पहुंचकर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन जिला प्रदर्शनी कार्यक्रम में खेल का आयोजन कर रहा है, जो कि 5 जून एनवायरमेंट डे से शुरू करेंगे हम लोग, और इसमें ज़्यादातर खेल हम लोगों ने सम्मिलित किए हैं। कुछ 2 दिन, कुछ 3 दिन, कुछ 4 दिन ऐसे करके हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, जिसमें खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जूडो और क्रिकेट, हॉकी, ज़्यादातर गेम सम्मिलित हैं, और वो जिसकी अवार्ड सेरेमनी फाइनली हम 24 जून को करेंगे। देखा गया कि कई वर्षों के बाद हो रहा है, तो ज़्यादातर बच्चों का मतलब भागीदारी रहे, उसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं? उसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हम चाहेंगे इस माध्यम से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि प्रदर्शनी और ओवरऑल जिला प्रशासन के द्वारा जो भी कार्यक्रम या खेल ये प्रतियोगिता चलाई जा रहे हैं उसमें लोग इंजॉय कर सकें और पार्टिसिपेट कर सकें। जो इस खेल में भाग लेना चाहते हैं उनसे क्या बोलना चाहते हैं? कि सोनकपुर स्टेडियम में हम रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहे हैं, और जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो फ्रीली वहां आके अपना नाम वो कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है प्रदर्शनी की? प्रदर्शनी को और प्रदर्शनी को इस चीज़ में हम और लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, और लोगों को समर वेकेशन के दौरान इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे, और ताकि लोग इन्जॉय कर सकें और हमारी प्रदर्शनी को भी थोड़ा वो मिल जाए पार्टिसिपेशन लोगों का।